नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। नैनीताल हाई कोर्ट के शिफ्टिंग के कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल यूकेटी ने हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया है। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। श्री एरी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने वाली मानसिकता वही है जो राजधानी को गैर शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राजधानी के मसले को देहरादून बनाम गैरसैंण करके सरकार ने उलझाया है। इसी मानसिकता के तहत हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। यह समझ से परे है कि हाईकोर्ट के नैनीताल में होने से किसको नुकसान हो रहा है। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी नैनीताल में हाईकोर्ट के होने से है तो सरकार को चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी घोषित करे और हाईकोर्ट को भी सेंट में शिफ्ट कर दे। आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोक रही है और राजधानी का मसला गैरसैंण बनाम देहरादून करके इन्होंने इसको उलझाया है। तो उसी मानसिकता के तहत नैनीताल के हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि नैनीताल में ये हाई कोर्ट होने से कितना बड़ा नुकसान किसको हो रहा था, मुझे इसका आकलन नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है नैनीताल में आपको हाई कोर्ट के संचालन में दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है या किसी वर्ग विशेष को असुविधा हो रही है, तो सीधी सी बात हमारी ये है उत्तराखंड क्रांति दल की कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए।